नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और कोरोना वायरस के चलते वीडियो में तो हम नमस्ते कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में अब टाइम वो आ चुका है कि हमें किसी को नमस्ते करने की या किसी से मिलने की या अपने घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से वैसे ही मिलें जैसे कि मैं मिल रहा हूँ अभिषेक से। तो नमस्ते अभिषेक। नमस्ते। आज जिस टॉपिक पर बात हो रही है, दरअसल पूरी दुनिया इसी की बात कर रही है और वो है कोरोना वायरस। अब आपको घर में रहना है, किसी भी सरफेस पर हाथ लगाने के बाद हाथ धोने हैं, बाहर नहीं निकलना है, ट्रैवल नहीं करना है, ये सब तो आप ऑलरेडी जानते हैं। इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप के नंबर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का और दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोरोना हेल्प डेस्क। ये दोनों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर अभी हैं और ये बेसिकली चैटबॉट्स हैं। आप इन्हें मैसेज करेंगे तो ये रिप्लाई में कोरोना वायरस से रिलेटेड एकदम करेक्ट, ट्रू और ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन आपको सेंड करेंगे। तो अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को और हर उस इंसान को जो ये समझता है कि व्हाट्सएप पर है तो सच ही होगा, उन्हें ये नंबर जरूर भेजें। खैर, ये तो थी व्हाट्सएप की बात। अब थोड़े से नंबर्स भी देख लेते हैं। अभी तक पूरे वर्ल्ड में टोटल कोरोना वायरस के केसेस 3 लाख से ऊपर आ चुके हैं, 13,000 के आसपास डेथ्स हो चुकी हैं, यानी मॉर्टिलिटी रेट अराउंड 4% से थोड़ा ज़्यादा है और 95,000 एक्चुअली ऑलमोस्ट 96,000 लोग रिकवर भी हो चुके हैं, यानी रिकवरी रेट भी लगभग 31% आज तक है। अब टॉप 5 कंट्रीज जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं आज तक, वो हैं चाइना 81,000, इटली 53,000, USA 26,000, स्पेन 25,000 एंड जर्मनी 22,000। अब चाइना सबसे ऊपर है 81,000, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, तो ज़्यादा नंबर्स तो वहाँ हैं ही, लेकिन नए केसेस चाइना से आना अब कम हो चुके हैं। तो मैं इसीलिए ये देख रहा था कि टॉप 10 कंट्रीज जहाँ कल सबसे ज़्यादा नए केसेस आए, वो हैं इटली, USA, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, UK, ईरान, नीदरलैंड्स और फिर ऑस्ट्रिया एंड बेल्जियम में ऑलमोस्ट सेम नए केसेस कल आए हैं। ये जो 11 कंट्रीज के नाम मैंने लिए, इसमें से 9 कंट्रीज यूरोप की हैं। तो क्या यूरोपियंस को ये पता नहीं था कि उन्हें घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, हाथ बार बार धोना चाहिए? क्या उनके व्हाट्सएप पर ये मैसेजेस नहीं आए? मेरा मानना है आए होंगे, लेकिन फिर भी वहां केसेस इतने बढ़ चुके हैं, हो सकता है उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। क्या आप इन बातों पर ध्यान दे रहे हैं? आई होप सो। हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पर हमारे यहाँ अभी तो ऊपर वाले का शुक्र है कि केसेस काफी कम हैं, लेस देन 350, जिसका मतलब ये हो सकता है कि आप भी बार बार हाथ धो रहे हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर आप ऐसा ना करें और हमारे यहाँ भी केसेस बहुत बढ़ जाएं? क्या हमारी हेल्थ और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस पैंडेमिक के लिए रेडी है, ये बताने वाले हैं अभिषेक। तो अभिषेक, ओवर टू यू। जी शोएब, आपने जैसे कहा कि हमें प्रिकॉशन बरतने के लिए कहा जा रहा है, सब बोल रहे हैं कि अगर इंडिया में हमने प्रिकॉशन नहीं बताया, सिचुएशन खराब हुई, तो कितनी खराब हो सकती है? एक कुछ नंबर्स है मेरे पास, ऐसे जो टॉप 6 कंट्रीज है, सामने नाम बताया चाइना, साउथ कोरिया, ईरान, इटली, यूके एंड यूएस, उनमें कुछ इनिशियल रिसर्च हुई है कि जो पेशेंट है कोरोना से, जो कोरोना हुआ है, उनकी प्रोफाइल क्या थी, उनके नंबर है, उनको इंडिया से कंपेयर करेंगे और हेल्थ केयर सिस्टम, इन कंट्री का जो हेल्थ केयर सिस्टम था उससे इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, उसको हम कंपेयर करेंगे कुछ नंबर के थ्रू। तो क्यों कहा जा रहा है इंडिया में कि आप प्रिकॉशन बरती है, अगर ये इंडिया में फेल गया तो सिचुएशन हाथ के बाहर जा सकती है, तो ये नंबर आपको बताएंगे। सबसे पहले एक जो नंबर है, जो इटली और चाइना में एक इनिशियल रिसर्च हुई है, ये इनिशियल रिसर्च है, ये फाइनल रिसर्च नहीं है। उसमें ये उसकी फाइंडिंग ये है कि जो मौतें हो रही है, जिन जिन पेशेंट की मौतें हुई कोरोना की वजह से, उसमें ये पाया गया कि उन पेशेंट को कुछ प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन थी, यानी पहले से कुछ बीमारियाँ थी, कैसी बीमारियाँ, जैसे डायबिटीज़ हो गया, क्रोनिक किडनी डिसीजेस हो गई, किडनी से रिलेटेड डिसीज हो गई, और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज यानी हार्ट से रिलेटेड डिसीज उनको थी पहले से। और इन रिसर्च में पाया गया है कि इटली में जो 66% जो मौतें हुई है, उनको ये डिसीजेस पहले से थी उन पेशेंट को, तो यानी कि अगर किसी पेशेंट को, अगर किसी व्यक्ति को अगर ये डिसीजेस है, तो वो ज़्यादा एक तरह से
कोरोना के लिए वो उसका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा वीक है, वायरस ज्यादा टेक कर सकता है, उसकी बॉडी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, ऑलरेडी वल्नरेबल है, मतलब वल्नरेबल है, राइट। और एक जो भी इन डिसीजेस को जो मेजर करते हैं पर लैक कि 1 लाख लोगों में कितने लोगों को डिसीज है, उसकी एक यूनिट होती है जिसको बोला जाता है DALY, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तो उसमें हम इंडिया की रेटिंग देखते हैं, हम कंपेयर करेंगे कि चाइना से, साउथ कोरिया से, ईरान, इटली, यूके और यूएस से, कि उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है। अगर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज की बात करें तो इंडिया का नंबर चाइना और यूएस से ऊपर है, यूके, साउथ कोरिया, ईरान और इटली से हमारा नंबर नीचे है। अगर हम इसमें बात करें पर लैक कितने पेशेंट पाए जाते हैं इंडिया में, तो इंडिया का नंबर है 4716, जो कि चाइना से ज़्यादा है। चाइना का नंबर है 6020 और यूएसए का नंबर है 4814। हमसे कम साउथ कोरिया का था, जिसका था 2340, यूके का था 4000, ईरान का था 3911 और इटली का था 4350। मतलब 1 लाख में से इतने लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज है इन सारे देशों में। डायबिटीज कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। ओके कार्डियो। अब डायबिटीज को किडनी का मैं बताता हूँ, डायबिटीज को किडनी में जो इंडिया की पोजीशन है वो ईरान, साउथ कोरिया, यूएस से बेटर है, बट इटली और चाइना से और यूके से हम नीचे आते हैं। यूके में सबसे कम नंबर पेशेंट पाए जाते हैं, जो कि है 913, चाइना में 1068, इटली में 1266 और इंडिया में ये जो पेशेंट का जो नंबर है ये है 1340। और ईरान में बात करें तो ईरान में 1356, साउथ कोरिया में 1447 और सबसे ज़्यादा यूएसए में है 1779। तो अगर इंडिया में फैलता है तो इंडिया में ऐसे लोगों की प्रोफाइल ज़्यादा मिलेगी जिनको ये डिसीज, यानी जो ये डिसीज हो सकती है, तो वल्नरेबल ज़्यादा इंडियंस। ओके, एज ग्रुप की बात करें जहाँ पे हमें बेनिफिट मिलता है, कि जो मीन एज निकाली है, जो कि जो लोगों के मौतें हुई है, तो इटली में जो मीन एज थी जो आ रही है वो है 80 ईयर्स, चाइना में है 49 और यूएसए में जो 80% डेथ हुई है उनकी वो थे 65 के ऊपर। इंडिया में ये एडवांटेज है कि हमारी यंग पॉपुलेशन है, हमारे 60 प्लस की जो पॉपुलेशन है उसका रेशो यंग से कम है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इस पैरामीटर पे बच सकते हैं कि अगर कोरोना ज़्यादा फैला तो यहाँ पे एज अ हेल्थ एंड एज वाइज हमें कम नुकसान हो सकता है। अब हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें कि हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं, तो एक WHO का फिगर है कि 10,000 पे किस कंट्री में कितने बेड है। तो इंडिया की पोजीशन इन जो 6 कंट्री की बात की हमने, जहाँ पे ज़्यादा फिरा है, उसमें सबसे नीचे है। हम बात करें सबसे पहले साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया में 10,000 लोगों पे 143 बेड्स है हॉस्पिटल में, चाइना में 42 है, इटली में 34 है, यूएसए में 29 है, यूके में 28 है, ईरान में 15 है और इंडिया में केवल 7 बेड है 10,000 लोगों पर। अगर इंडिया में फेल गया ये, तो हमारे पास हॉस्पिटल में बेड ही नहीं कि हम पेशेंट को एडमिट कर सके। आप वेंटिलेटर का तो भूल जाइए, कि आपने कहीं सुना हो कई कंट्रीज में वेंटिलेटर ही नहीं, खत्म हो गए कई डेवलप कंट्रीज में, तो इंडिया में तो वेंटिलेटर तो दूर की बात है, हमारे पास तो हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है कि पेशेंट को रख सके हम। वेंटिलेटर यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि COVID-19 जो डिजीज है उसमें इंसानों को सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंट्स को सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए उन्हें वेंटिलेटर से सांस दी जाती है। और वेंटिलेटर भी हमारे यहाँ कम है, हॉस्पिटल बेड्स भी हमारे यहाँ कम है, और डॉक्टर्स से बात, डॉक्टर्स भी कम है। हमारे यहाँ 11,600 पे एक डॉक्टर अवेलेबल है, 11,600 पेशेंट्स पर एक डॉक्टर है। और अभी आइसोलेशन बेड की बात करें, जो आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, तो ये 17 मार्च का मेरे पास फिगर है, वो है कि 84,000 पे एक आइसोलेटेड बेड अवेलेबल है इंडिया में। 84,000 लोगों पर एक आइसोलेटेड बेड अवेलेबल, एक बेड अवेलेबल है, ये 17 मार्च की है। अभी सरकार बढ़ा रही है बट तब भी नंबर बहुत ही कम है 84,000 पे एक। तो इसी बात की जा रही है कि इंडिया में भी स्टेज 2 पे है, आप कंट्रोल कर लीजिए, आप बाहर मत जाइए, जितना जल्दी कंट्रोल हो सका इंडिया में तो उतना बेटर है। अगर इंडिया में फेल गया तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम और हमारे जो लोगों की प्रोफाइल है, जैसे जो इनिशियल स्टडी में फाइंड किया गया है,
उसके हिसाब से हम ज्यादा वल्नरेबल है इस डिसीज के लिए, उसके बाद फिर हम कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग भी अपना ध्यान रखें और जो भी ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं इस डिज़ीज़ से बचने की उससे फॉलो करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं तो उन्हें नीचे लिख सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। शेयर और सब्सक्राइब जैसे उपकार करने का मौका भी आपके हाथ में है। हाथ से याद आया, किसी से हाथ ना मिलाएं, बस दूर से ही हाथ वेव करें, अपने हाथ धोएं और दूसरों को भी हाथ धोने को कहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, टेक केयर, थैंक यू।